बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त बिलाल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं बना रहा हूं कनाडा में सर्दी की एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए। और फ्रेंड्स, बेसिकली आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स वगैरह, और जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जहन में एक डाउट होता है कि जी कनाडा बहुत ही ज़्यादा ठंडा मुल्क है और पता नहीं उनका ये डिसीजन कनाडा आने का ठीक है कि नहीं है। तो आप सबको मैं कनाडा में सर्दी की एक छोटी सी झलक दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आज है जी February 1, 2021, और मैं हूँ मिसिसागा ओंटेरियो में। अभी इधर शाम के 5 बजे और टेम्परेचर है तकरीबन -9 फील लाइक। वैसे रियल टेम्परेचर है वो -3 है। और इस वीडियो का लेटर पार्ट मैंने बनाया है लेक ओंटेरियो पे, जो कि मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, और वो बनाया था January 29 को। उस दिन थोड़ी ज़्यादा सर्दी थी, उस दिन था -17। और फ्रेंड्स, जो सर्दी है वो लास्ट फैक्टर होना चाहिए आपको डेटर करने के लिए कनाडा आने से, क्योंकि खाली एक सर्दी की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि जी आपको कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आई थिंक कनाडा आजकल दुनिया का मोस्ट फ्रेंडली कंट्री है इमिग्रेंट्स के लिए। अगर आप दूसरे कंट्रीज देखें, UK, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जिधर पाकिस्तान से मोस्टली लोग जाते थे, उन सब ने लॉन्ग टर्म जो है वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल करती है, और बहुत से लोग अब कनाडा मूव होने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप आके बिल्कुल भी होम सिकनेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हर कंट्री की कम्युनिटी इतनी बड़ी है और आपको आके बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल मिलता है। स्पेशली मिसिसागा में अगर आप आएंगे तो आपको इतने देसी मिलेंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप पाकिस्तान या इंडिया छोड़ के हैं। आपको ऐसा लगेगा आप पाकिस्तान या इंडिया में ही फिर रहे हैं। और सर्दी आज February 1 है और अभी तक इधर सीरियस वाली सर्दी स्टार्ट ही नहीं हुई मिसिसागा ओंटेरियो में। आप सिर्फ एक हुड पहने, एक बस मीडियम सी जैकेट पहने, और आपका बिल्कुल आराम से ठीक ठाक गुजारा हो जाएगा। सेंट्रली हीटेड घर है यहाँ पे, 24 घंटे गर्म पानी आता है। घर के अंदर आप टी शर्ट पहन के फिरते हैं, बाहर आप निकलते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना ज़बरदस्त हीटिंग का सिस्टम है, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं तो कनाडा में आया था, फर्स्ट 2 ईयर्स मैंने गाड़ी ही नहीं ली, और मेरा बिल्कुल ज़रूरत नहीं महसूस हुई। घर के पास ही मेरा ऑफिस था, 6 किलोमीटर दूर था, और मैं आपको पता है अभी जनवरी तक साइकिल पर भी ऑफिस जाता रहा हूँ। अब थोड़ी सी स्नो पड़ी है जिसकी वजह से साइकिल पर जाना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन मैं अभी प्लान बना रहा हूँ कि 1-2 दिन में दोबारा साइकिल पर जाना शुरू कर दूँगा, स्नो थोड़ी क्लियर हो गई है। और फ्रेंड, मुझे तो कनाडा सर्दियों में बहुत ही प्यारा लगता है, हर चीज़ वाइट हो जाती है, आसमान का कलर भी रात को थोड़ा लाइट होता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और February 2019 में जब मैं नया नया आया था यहाँ पे, -35 टेम्परेचर हो गया था और काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी थी, लेकिन मैं तब भी डेली वॉक करने जाता था, तो मुझे तो कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। और यहाँ पे सर्दियों का अपना ही मज़ा है, आप विंटर्स में स्की कर सकते हैं, आइस स्केटिंग कर सकते हैं, बोन फायर कर सकते हैं, घर के बाहर आप स्नो मैन बना सकते हैं, स्नो में खेल सकते हैं, इसके अलावा आप विंटर कैंपिंग कर सकते हैं अगर आप इतना बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, विंटर फिशिंग कर सकते हैं, स्टार गेजिंग कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। और फ्रेंड्स, ओंटेरियो में मिसिसागा में सिर्फ फरवरी का एक मंथ है जो पिछले 2 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया कि थोड़ा सा टफ होता है, उसके अलावा ऑल अराउंड द ईयर कोई भी आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। सस्केचून मैंने सुना है काफ़ी ठंडा है, ऑटावा जो इनका कैपिटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, उधर भी काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। लेकिन अगर मुझे कोई कह के तुम्हें यूकॉन में जाके रहना पड़ेगा, जो कि कनाडा में वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस है, और कनाडा का लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था यूकॉन में -68, अगर मुझे कोई कह के तुम्हें वहाँ पर जाके रहना पड़ेगा तो मैं तो वहाँ पर भी जाके बहुत खुश रहूँगा, मैं तो वहाँ पर भी एक्टिविटीज़ ढूँढ लूँगा। तो चलें फ्रेंड्स, ये तो हो गई कुछ बातें, अब मैं आपको दिखाता हूँ लेक ओंटेरियो और टोरंटो डाउनटाउन के कुछ व्यूज, होपफुली आपको पसंद आएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम आए थे लेक ओंटेरियो पे सनराइज की वीडियो बनाने, अनफॉर्चुनेटली सन तो इतना अच्छा नजर नहीं आया, लेकिन बाकी व्यू बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त, थोड़ा थोड़ा सन भी नजर आ रहा है। और ये मेरे बैक पे आप देख सकते हैं, ये है सिटी ऑफ टोरंटो डाउनटाउन, और ये जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है ये है CN टावर, जो कि कनाडा की आई थिंक सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है।
और ये साथ आप देख सकते हैं, ये है लेक ओंटारियो, वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड। और फ्रेंड्स सुबह के 8 बज गए, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग भी ये सब कुछ कर सकते हैं। आपने मौसम की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आया हूँ अपनी कज़न की अपार्टमेंट पे, जो कि लेक के साथ ही रहती हैं और हमारे लिए बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट बना रही हैं। जी ये है न्यूटेला, लेफ्ट पे कॉफ़ी, क्रोसॉन्स, पैनकेक्स विद फ्रूट्स, और ये मेरी बहुत ही अच्छी कज़न मेरे लिए डाल रही हैं कैनेडा की स्पेशलिटी मेपल सिरप। थैंक यू सो मच। चेक करते हैं कैसे पैनकेक्स बनी हैं। ये हम लगा रहे हैं स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी। सो यमी। ये फ्रेंड्स अभी हम खड़े हैं 18th फ्लोर पे, चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। ये चेक करें फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से। ये लेक थोड़ी थोड़ी फ्रीज हुई है, और ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये अराउंड है 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग है ये। इन बिल्डिंग से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। ओके फ्रेंड्स, बाहर वीडियो बनाते हुए मैंने एक गलती की कि थोड़ी देर के लिए ग्लव्स उतार दिए और मेरे हाथ टोटली नंब हो गए। तो आप लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखना है, जब भी आपने बाहर निकलना है सर्दियों में तो ग्लव्स आपने हर वक्त पहन के रखने हैं। और बाकी तो आपने मुझे देख ही रहा था कि मैंने जैकेट और हुड पहना था, और दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं रूफ टॉप पे, पूरा समंदर लग रहा है, लेकिन ये समंदर नहीं है, ये लेक है। ये जो सामने बिल्डिंग्स हैं इनका
व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ख़त्म ही नहीं होती, इतनी बड़ी लेक है कि अगर आप एक घंटा भी गाड़ी चलाएं तो आप लेक के साथ साथ ही चलते रहते हैं, इतनी बड़ी लेक है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।